सैलरी की थोड़ी सी बात कर ले, सैलरी की बात कर ले थोड़ी सी, है ना? वही होगा क्या सर? सैलरी में क्या बात होगा? सैलरी, आप काम कहां कर रहे हैं, इंडिया में या इंडिया के बाहर? यही सब बातें होंगी। अगर इंडिया में काम कर रहे हैं तो क्या आंसर, इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं तो क्या आंसर। लेकिन सैलरी पर मंथ में 50,000 कम करना मत भूलना, ठीक है? अभी पहले नॉर्मल सा आपको क्वेश्चन कर दे रहा हूं। कौन सा एग्जाम्पल? 73, 72 तक हो गया, 73 इनकम ऑफ रुपीज, सैलरी इनकम, सैलरी इनकम रुपीज 20,000 पर मंथ, पर मंथ है, फ्रॉम एनी कंपनी, इंडियन कंपनी और यूएस कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन कंपनी में हो तुम काम कर रहे हो, तुम फॉरेन कंपनी में काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सैलरी इनकम ऑफ रुपीज 20,000 पर मंथ है, पर मंथ 50,000 कम होगा, फ्रॉम इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्क प्लेस जरूरी है, फॉर वर्किंग इन इंडिया। तो जैसे ही तुम इंडिया में काम करोगे, ये इंडिया की इनकम होगी, और नॉर्मल बिना दिमाग लगाए आप क्या करोगे, तीनों में टैक्सेबल कर दोगे। लेकिन टैक्सेबल कितना? तो 20,000 इंटू 12 माइनस 50,000 जो हम बेनिफिट्स बार बार लेते हैं, कितना? 190 और 190, ठीक है, जो बेनिफिट हम बार बार लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेज 10 का टेबल पे है सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सारे हेड्स को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्स हो गया। अदर सोर्स में तो क्या क्या नहीं डिस्कस कर लिया, डिविडेंड, एग्रीकल्चर, बॉन्ड्स, एफडी इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, गिफ्ट, सब डिस्कस कर लिए। अब सैलरी की बारी है, बहुत सिंपल सिंपल। सर सुनते हैं पेंशन भी मिलता है रिटायरमेंट के बाद, तो चलिए पेंशन मिल गया, पेंशन रुपीज 12,000 रुपीज पर मंथ फ्रॉम एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर कोई भी हो, एम्प्लॉयर कोई भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर वर्किंग इन इंडिया, फॉर पास्ट वर्क डन इन इंडिया, तुमने पास्ट कहां काम किया है? देखो काम करते हैं इनके बाद रिटायर करके, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है। सर तो ये पास्ट वर्क तुमने कहां किया? इंडिया में, टैक्सेबल होगा। और सैलरी हेड में ही होता है पेंशन भी। आप जब नौकरी कर रहे होते हैं तो पर मंथ सैलरी मिल रही होती है, और नौकरी करने के बाद पर मंथ पेंशन मिल रहा होता है। डेथ के बाद फैमिली पेंशन मिलता है जो आईओएस में टैक्सेबल होता है, लेकिन ये पेंशन है, डेथ नहीं हुई है, रिटायरमेंट होने के बाद की इनकम। सर इसमें भी वही करेंगे, कितना? 12,000 × 12। बोला सर यहां भी 50,000 कम करोगे? हाँ यहां भी 50,000 कम करेंगे, 94,000। सर मान लो तुम काम करके रिटायर हुए, काम इंडिया में कर रहे थे रिटायर हुए, उसके बाद तुम अब रहते हो विदेश में, तो एनआर हो गए, लेकिन काम तुमने कहां किया था? इंडिया में, उसके कारण पेंशन मिल रही है, इंडिया में काम करने के कारण पेंशन मिल रही है, हम टैक्स करेंगे। बट क्या ध्यान रखना, ये जो है सैलरी इनकम या पेंशन की इनकम, ये सब सैलरी हेड में जाती है, और 50,000 का डिडक्शन हर जगह मिलेगा। चूंकि तुम इंडिया में काम करने का पैसा उठा रहे हो, तीनों टैक्स देंगे। ठीक, लिखिए। सैलरी का डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है, सैलरी का डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है आपके साथ मेरा। एक और एग्जाम्पल ऐड कर दिया, बाहर काम कर रहे हैं, बाहर की कंपनी है, गलती क्या कर दी, पैसा इंडिया में रिसीव कर लिया, गलती क्या कर दी, पैसा इंडिया में रिसीव कर दिया। और जब पैसा इंडिया में रिसीव करते हैं तो टैक्स तो तीनों देंगे, इंडिया में काम कर रहे हो
एम्प्लॉयर कोई भी हो, सर ये एम्प्लॉयर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, बाहर का एम्प्लॉयर हो या इंडिया का। देखिए ऊपर इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी, तुमने काम इंडिया में किया है तीनों टैक्स देंगे, तुम इंडिया में काम कर रहे हो तीनों टैक्स देंगे, तुम पेंशन ले रहे हो इंडिया में काम करने का तीनों टैक्स देंगे, और लास्ट वाले में तो तुमने गजब कर दिया, यूएस में काम करते हो, यूएस की कंपनी है, पता नहीं तुम्हें क्या हुआ कि तुमने इंडिया में सैलरी रिसीव कर ली। अब रिसीव कर ली तो भुगतो, अब क्या करोगे, टैक्स दो। बोला सर मैं तो यूएस में भी तो टैक्स दे रहा था, यहां भी दूंगा। ठीक है, तुम्हारे लिए ही तो रिलीफ बना है, डबल टैक्स रिलीफ सेक्शन 90 और 91, पहले ही बताया डबल टैक्स से मत डरो। 30,000 × 12 - 50,000, इंडिया में काम करोगे या बाहर काम करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 50,000 का बेनिफिट तुमको मिलेगा। सर इंडिया के बाहर मकान है, हाँ हाँ एक डाउट आया था बच्चे का, सर इंडिया के बाहर मकान है तब भी 30% का बेनिफिट मिलेगा, हाँ, और 50,000 का बेनिफिट तब भी मिलेगा चाहे तुम इंडिया में काम करो या इंडिया के बाहर काम करो। देखो 50,000 का बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है इनकम में टैक्सेबिलिटी निकालते समय, अब वो सैलरी कहीं से कमाओ क्या फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है 50,000 का डिडक्शन ले लो, तो अगर बाहर की सैलरी इंडिया में टैक्सेबल हो रही है तो लेंगे ना 50,000 का बेनिफिट। एक बच्चा मैसेज किया था मुझे, याद आ गया, हाउस के लिए कि सर जो आपने हाउस प्रॉपर्टी दी दुबई में रेंट पे, तो वो तो दुबई में है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, 30% का जो डिडक्शन है हाउस प्रॉपर्टी का वो हर तरह के घर पे मिलेगा चाहे घर इंडिया में हो या इंडिया के बाहर। 3-10, 3-10, 3-10, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं जो सीधा सीधा तीनों में टैक्सेबल हो रहे हैं। सेवेंटी थ्री लिख चुके। सैलरी पर मंथ ₹1,00,000 फ्रॉम यूएस बेस्ड कंपनी फॉर वर्किंग इन यूएसए, रिसीव्ड इन यूएसए ओनली, इंडिया में नहीं मिला, यूएसए में मिला, यूएस में काम कर रहे हो, यूएस कंपनी में सैलरी वहीं ले रहे हो, सिर्फ पहला वाला टैक्सेबल होगा 50,000 कम करके, बाकी दोनों टैक्सेबल नहीं होंगे, बाकी दोनों टैक्सेबल नहीं होंगे। 74 लिख चुके हो, 74 लिख चुके हो। बोला सर इंडियन कंपनी में हो तो सैलरी ₹50,000 पर मंथ फ्रॉम इंडियन कंपनी, कंपनी इंडियन है, इंडिया की कंपनी है, फॉर वर्किंग इन यूएस ब्रांच, तुम उसके यूएस ब्रांच में काम करते हो और ये सैलरी रिसीव्ड वहीं हुई है यूएसए में। अब बोलना सर सैलरी ₹50,000 पर मंथ इंडियन कंपनी के यूएस ब्रांच में काम करते हो और सैलरी भी यूएस में ही रिसीव हुई है, बस पहला वाला टैक्स देगा, बाकी दोनों नहीं देंगे क्योंकि तुम इंडिया के बाहर काम कर रहे हो। बोला सर मतलब इंडिया के बाहर काम करेंगे तो आरएनओआर और एनआर टैक्स नहीं देंगे? ऐसा मैंने नहीं कहा, अभी और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन हां ये प्लेन प्लेन क्वेश्चन मैंने आपसे करवाने की कोशिश की। सर इंडिया में काम करेंगे तो टैक्स तो तीनों देंगे, इंडिया से बाहर काम करेंगे तो अभी तक तो बच रहा है 76 नंबर और 77 नंबर में आरएनओआर और एनआर बच गया, ठीक है, अब देखते हैं क्या बच सकेंगे कि नहीं सकेंगे, अब तो नेक्स्ट क्लास में ही बताया जाएगा। सर यहां पर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या एनालाइज करेंगे, सेक्शन 912 एंड सेक्शन 913। पहले मैं सोच रहा था आज के ही क्लास में इसको डिस्कस कर दूंगा,
लेकिन फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, कम से कम 45 मिनट चाहिए इसको डिस्कस करने के लिए। और ये हमारे किस पेज पे है, पेज नंबर 15 पे। जैसे 918 पढ़े गिफ्ट से रिलेटेड, वैसे ही सैलरी से रिलेटेड कुछ बातें कही जा रही है 912 913 में, पढ़ेंगे। अगली जो सेशन है वो इसी से स्टार्ट होगा, एक तरह से पेज नंबर 10 और 9 हमारी तरफ से कंप्लीट। चलिए सर, आई होप आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा। पिछले सेशन में मैंने कहा था कि जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको, यू नो, ये जो सेक्शन 5 जो चल रहा है, आरओआर, आरएनओआर, एनआर, ये वाली सारी चीज मैंने आपको बोली थी रिवाइज कर लेने के लिए। पीजीबीपी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, काफी कुछ पढ़ा दिया है। लास्ट हेड में हम लोग सैलरी से रिलेटेड पॉइंट में, इनफैक्ट आपको याद हो तो गिफ्ट आया था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के इनकम में गिफ्ट आया था, तो गिफ्ट में मैंने आपको एक सेक्शन भी पढ़ाया था 918। उसके अलावा आप वो रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना, कंपनी का, एचयूएफ का, इंडिविजुअल का, सारा आप आज रिवाइज करके आए हैं। मैं उम्मीद आपसे यही करता हूं। लास्ट क्लास में जाते जाते मैंने यही कहा था कि आपको मैंने जितना पढ़ाया पिछली 6-7 क्लास में वो सारा आप रिवाइज कर लो, और आपने किया होगा। पिछले सेशन में जाते जाते हम लोगों ने सैलरी के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, इजी इजी, कि अगर आपका 3 स्टेटस है आरओआर, आरएनओआर, एनआर, और अगर आपकी सैलरी इनकम पर मंथ पर एनम है, ध्यान रखना पर मंथ पर एनम है, तो 50,000 रुपीज माइनस करना है। ठीक है, सैलरी इनकम पर मंथ पर एनम है तो 50,000 रुपीज माइनस करना है, चाहे वो इंडिया से सैलरी आ रही हो या इंडिया के बाहर से। ठीक, अच्छा, सैलरी आ रही हो या पेंशन आ रहा हो, सैलरी हेड में टैक्सेबल करना है। पेंशन मतलब वो बंदा काम करने के बाद रिटायर कर गया, डेथ नहीं हुई है, काम करने के बाद रिटायर कर गया। अगर आप सैलरी इंडिया में रिसीव करते हैं तो तीनों में टैक्स होगा, अगर आपने काम इंडिया में किया है जिसके चलते सैलरी मिल रही है तो तीनों में टैक्स होगा। यही हमारी बात हुई थी पिछले सेशन में जाते जाते। यहां पर देखिए वर्किंग इन इंडिया है, यहां पे वर्किंग इन इंडिया है, तो वर्किंग इन इंडिया में तीनों में टैक्स होगा। यहां भी आपको पेंशन मिला है, आप रिटायर कर गए, पेंशन मिला है, लेकिन किस लिए, क्योंकि आपने पहले इंडिया में काम किया था, इसीलिए तीनों में टैक्स हो रहा है। जब जब इंडिया इन्वॉल्व होगा तीनों में टैक्स करेंगे। यहां आपने काम यूएस में किया है, टैक्सेबल नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, सैलरी इंडिया में रिसीव कर ली है। जब आप किसी भी फॉरेन इनकम को इंडिया में रिसीव करेंगे तब वो तीनों में टैक्स होगी। यही हम शुरू से पढ़ रहे हैं सर, ये चीज 75 नंबर वाली बात तो हम हर इनकम के लिए पढ़ रहे हैं। आपने बाहर में रेंटल इनकम को इंडिया में रिसीव किया, आपने बाहर नर्सरी बिजनेस की इनकम को इंडिया में रिसीव किया, आपने बाहर ये शेयर्स के डिविडेंड को इंडिया में रिसीव किया, बिजनेस की इनकम को इंडिया में रिसीव किया, जब जब किसी भी बाहर वाली इनकम को इंडिया में रिसीव करोगे तीनों में टैक्स होगा। 50,000 का बेनिफिट हमेशा मिलेगा, रेंट है तो 30% का बेनिफिट, और सैलरी पर मंथ पर एनम है तो 50,000 का बेनिफिट। सर इसमें क्यों नहीं टैक्स किया बाकी दोनों में, तो सर बाहर की सैलरी आपने बाहर ही रिसीव की है, आपने काम भी बाहर किया है और सैलरी भी बाहर रिसीव की है, और आरओआर के लिए तो हमेशा टैक्स होगा, बाहर की इनकम इंडिया की इनकम, बाकी दोनों क्यों बच गए, क्योंकि इंडिया का कोई एलिमेंट आपको नहीं मिल रहा है। फिर मैंने एग्जाम्पल चेंज किया, मैंने बोला अगर इंडियन कंपनी हो तो भी तो आप बाहर ही काम कर रहे हो यूएस ब्रांच में और सैलरी भी यूएस में मिल रही है, यानी तुम अगर बाहर काम करो और तुम्हें सैलरी बाहर ही मिले तो कंपनी इंडियन हो या फॉरेन की हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आरएनओआर एनआर, आरएनओआर एनआर को टैक्स नहीं देना है ना। ये तो रिवीजन आपने पढ़ भी लिया, रिवीजन भी अभी कर लिया। अब हम लोग इसमें एलिमेंट मिलाएंगे सेक्शन 912 913 क्या कहता है। ठीक, 918 गिफ्ट से रिलेटेड आप पॉइंट पढ़ चुके हो, 912 913 क्या कहता है। सर ये जो अभी आपने ऊपर पढ़ा ना, ये वाला पॉइंट कि अगर आपने इंडिया में काम किया है जिसके चलते सैलरी मिलती है, चाहे वो पेंशन ही क्यों ना हो, ये जो वर्ड है ना कि इंडिया में काम करेंगे तो तीनों में टैक्स होगा, यही 912 है, यही 912 है। तो चलिए 912 देख लेते हैं क्या है, और 913 में क्या एक्स्ट्रा आप सीखते हैं। 913 तो आपका 5 मार्क्स जितना इंपॉर्टेंट है, 913 में इंपॉर्टेंस जो है इसकी 5 मार्क्स जितनी है, 5 मार्क्स जितनी इंपॉर्टेंस है। हम लोग पेज नंबर 15 पे हैं, मैंने बोला ही था सेक्शन 9 में ऑलरेडी वी आर इन, 918 हो चुका, 912 913 सैलरी से कनेक्टेड है, पढ़ लेते हैं। एक बात और बता दूं, 914 भी आपका हो चुका है ऑलरेडी। क्या पढ़े हुए कि अगर इंडिया की कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो वो इंडियन इनकम है, तीनों में टैक्स होगी, वही बात यहां कह भी रहा है। आपने ऑलरेडी क्लास में क्वेश्चन कर रखा है कि इंडियन कंपनी के शेयर्स के आपको डिविडेंड मिला है, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स ऑफ अ इंडियन कंपनी,
इज कंसिडर्ड एज इंडियन इनकम एंड हेंस टैक्सेबल टू ऑल। 914 ये खत्म कर देते हैं। चलो इसको भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी आप, डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। इंडियन कंपनी का डिविडेंड इंडिया के बाहर मिला हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडिया की इनकम कहलाएगी। डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया एंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स एट नॉर्मल स्लैब रेट। शेयर होल्डर्स कोई भी हो, आरओआर हो, आरएनओआर हो या एनआर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इंडिया की इनकम है, तीनों में टैक्स होगी। और ऑलरेडी आप लोग इसको आईओएस में देखो, हम लोगों ने डिविडेंड पढ़ लिया है, गिफ्ट पढ़ लिया है, एफडी इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट, कितनी चीज तो पढ़ ली आईओएस के अंदर हमने। इसी में पिछली दो क्लास में हमने आईओएस के अंदर मैंने डिटेल्ड में आपको पढ़ा दिया, एग्रीकल्चर इनकम, डिविडेंड इनकम, गिफ्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, एटीटी भी वहीं तो पढ़ाया। काफी नॉलेज आपको मिल चुकी है सर। पिछली तीन क्लास में आपको जो नॉलेज मिली है अथाह, इसलिए मैंने बोला था आज की क्लास में आप ना रिविजन करके स्टार्ट करना, क्योंकि अगर आप रिविजन नहीं करोगे, खाली क्लास में नई नई चीज सीखोगे तो वो ओवरलोड हो जाएगा। अब जैसे आज भी हम लोग काफी नई चीज सीखेंगे, अब नई चीज को अगर रिवाइज नहीं करोगे तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगी और फिर आपको ना डर लगने लगेगा। इसमें छोटा सा हल्का सा तो टॉपिक चल रहा है, फिर इसमें भी डर लगेगा। तो सर 912 सिंपल कहता है, अगर आपने इंडिया में काम किया है, कोई भी हो आप, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, इंडियन सिटीजन, फॉरेन सिटीजन, उससे कोई मतलब नहीं है, टैक्सेबल होगा। कहता है एनी इनकम, 912, एनी इनकम अंडर द हेड सैलरी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया वेयर सच सैलरी इनकम पेएबल फॉर द रेस्ट पीरियड और लीव पीरियड एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया एंड हेंस टैक्सेबल टू ऑल, हेंस टैक्सेबल टू ऑल। ऑल का मतलब आरओआर, आरएनओआर और एनआर। और देखो यहां लिखा हुआ है सैलरी इंक्लूड्स पेंशन आल्सो। और सैलरी पर मंथ हो, पर एनम हो, आपकी सैलरी पर मंथ हो, पर एनम हो, पेंशन पर मंथ हो, पर एनम हो, आप वो 50,000 वाला बेनिफिट जरूर देना, सेक्शन 16 वाला। सर 912 में कहीं नहीं कहा है, सेक्शन 912 में कहीं कहा है एम्प्लॉयर कौन होना चाहिए, कहीं कहा है? पढ़ लो अच्छे से, कहीं कहा है इसके अंदर एम्प्लॉयर इंडियन कंपनी होनी चाहिए, फॉरेन कंपनी होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कहीं कहा है एम्प्लॉयर कौन है? नहीं मालूम सर, खाली व्हाट इज इंपॉर्टेंट लाइन, तुमको सैलरी मिल रही है जो सैलरी हेड में टैक्सेबल है, और वो क्यों मिल रही है? क्योंकि तुमने काम इंडिया में किया है। बोला सर ये क्या है, फॉर द रेस्ट पीरियड और लीव पीरियड एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर कभी कभी क्या होता है, इंडिया में 4 महीने आपको भेजा गया, आपने उसमें से 3 महीने काम किया, 1 महीने छुट्टी ले ली, ठीक होता है ना? अगर मान लो मैं किसी कंपनी में 3 महीने काम करता हूं तो 10 दिन की छुट्टी ले ही सकता हूं। अब क्या उस 10 दिन का आपको पैसा मिला है, रेस्ट पीरियड, लीव पीरियड? हाँ सर पैसा मिला है। तो वो जो लीव पीरियड, रेस्ट पीरियड था, वो तो इंडियन वर्क का पार्ट था ना। मान लो आपने 3 महीने के लिए इंडिया में आए, 3 महीने की सैलरी ली, लेकिन उसमें काम किया है 2 महीने 15 दिन, 15 दिन आराम किया है, तो वो जो आराम का पीरियड है ना 15 दिन, वो भी टैक्सेबल होगा। सिंपल ये कहना चाह रहा है सर। पेड सैलरी जिसको बोलते हैं, कि छुट्टी लोगे सैलरी नहीं कटेगी, तुम 6 महीना इंडिया जाओ काम करो, उसमें से तुम 15 दिन की छुट्टी ले लेना, तुम्हारी सैलरी नहीं कटेगी। तुमने छुट्टी ले ली, अब तुम क्या बोलते हो, सर मैं तो छुट्टी पे था, मैं 15 दिन की सैलरी पर इंडिया में क्यों टैक्स दूंगा? देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग रेस्ट पीरियड और लीव पीरियड है, क्योंकि ओवरऑल तुम 6 महीना इंडिया में काम करने आए थे, जिसके अंदर तुमने 15 दिन काम नहीं किया, छुट्टी पे रहे, कोई बात नहीं, टैक्सेबिलिटी आएगी। 912 यही कहता है, राइट। रेस्ट पीरियड, आराम करने वाले समय का भी टैक्सेबिलिटी आएगा इंडिया में। अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट था कि से तुम 2 साल इंडिया में काम करोगे, उस बीच में तुमने दोनों सालों में 1-1 महीने की छुट्टी ली, उस छुट्टी का भी पैसा मिला, जिसको बोलते हैं पेड लीव्स, छुट्टी लो सैलरी नहीं कटेगी, उस पे भी टैक्सेबिलिटी आएगी। 912 ये कहता है। तो सर एम्प्लॉयर कौन है, एम्प्लॉयर कौन है, कहीं बोला है क्या एम्प्लॉयर इंडियन गवर्नमेंट होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए, कैसे कहा है कुछ क्या? नहीं सर। एम्प्लॉय कौन होना चाहिए कहीं कहा है? एम्प्लॉय कौन होना चाहिए मतलब इंडियन सिटीजन, फॉरेन सिटीजन, आरओआर, आरएनओआर, एनआर, कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
सैलरी रिसीट, रिसीट का लोकेशन, रिसीट मतलब सैलरी रिसीव्ड कहां हुई है, हाँ, वेयर सैलरी इज रिसीव्ड, वेयर सैलरी इज रिसीव्ड। सर नहीं मालूम, सैलरी कहां रिसीव हुई है नहीं मालूम, एम्प्लॉय कौन है नहीं मालूम, एम्प्लॉयर कौन है नहीं मालूम, खाली व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है, वर्क लोकेशन इन इंडिया। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी, इतनी सारी वैरायटी हो सकती है 912 की। एम्प्लॉय इंडियन सिटीजन, फॉरेन सिटीजन, आरओआर, आरएनओआर, एनआर, रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कोई भी वैरायटी हो सकती है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। आप चाहो तो वो सब लिख लो कि एम्प्लॉयर कौन होगा, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जापान, कोई फर्क नहीं पड़ता 912 को, एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉय आरओआर, आरएनओआर, एनआर, इंडियन सिटीजन, फॉरेन सिटीजन, कोई भी हो सकता है। सैलरी तुम इंडिया में रिसीव करो, इंडिया के बारे में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, अगर तुम्हारा वर्क लोकेशन इंडिया है तो तुम्हारी सैलरी या फिर उससे रिलेटेड कोई पेंशन या फिर तुम्हारे को उसके बदले में लीव सैलरी मिलेगी, छुट्टियों पर नहीं गए और तुमको पैसा मिला, पेड लीव्स जिसको बोलते हैं, पेड लीव्स, छुट्टियों पे गए हो उसके बदले भी पैसा मिला है, सैलरी कटी नहीं है, ये सब क्या होगा, टैक्सेबल होगा इन ऑल थ्री केसेस, ऑल थ्री केसेस। कभी कभी होता है क्या, क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करता है, लैंग्वेज चेंज करता है क्या, सैलरी ऑफ रुपीज 2 लाख फ्रॉम इंडियन एम्प्लॉयर, ऐसे दे देता है, ठीक है, ये लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देता है क्वेश्चन। अगर ये भी लैंग्वेज है, सपोज करो मैं इसको कर देता हूं 78, मैं इसको कर देता हूं 78, सैलरी ऑफ रुपीज 2 लाख फ्रॉम इंडियन एम्प्लॉयर, मैं इसको चेंज कर देता हूं ऐसे, सैलरी ऑफ रुपीज 20,000 पर मंथ फ्रॉम इंडियन एम्प्लॉयर, बस सिर्फ इतना ही लिखेगा, तब भी तुमको यही एज्यूम करना है कि तुमने इंडिया में काम किया है, सैलरी ऑफ रुपीज 20,000 पर मंथ फ्रॉम इंडियन एम्प्लॉयर, बस इतना ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा, वर्क लोकेशन नहीं लिखा है कहां है। सर एजम्पशन, इसमें एजम्पशन काम करता है, एजम्पशन, वर्क लोकेशन इज इन इंडिया, आर ओ आर, आर एन ओ आर और एन आर, 20,000 इंटू 12 माइनस 50,000, 190 और 190, तीनों में टैक्स करेंगे, 190 तीनों में टैक्स करेंगे, ठीक है। सर वर्क लोकेशन दे दे तब तो बहुत अच्छा, जैसे ऊपर के जितने भी एग्जांपल हमने पिछली क्लास में किए सब में वर्क लोकेशन दे रखा था, तो वर्क लोकेशन अगर क्वेश्चन दे दे तो बहुत अच्छा, पास्ट वर्क डन इन इंडिया है ना लैंग्वेज, लेकिन कभी कभी ऐसे वर्ड दे देता है फ्रॉम इंडियन एम्प्लॉयर, और या फिर ऐसे वर्ड दे देता है पेंशन, पेंशन फ्रॉम फॉर्मर इंडियन एम्प्लॉयर, तीनों में टैक्सेबल करते चले जाएंगे, 50,000 रुपए तो कम करना ही है, सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 16(1)(a) फिक्स डिडक्शन है सैलरी का। सर यहां मैंने बोला था किसी बुक की फोटो मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, सर मैं इस राइटर की बुक पढ़ रहा था, इसने 50,000 कम नहीं किए, मुझे यहां राइटर से मतलब नहीं है, तुम इंस्टीट्यूट का आंसर दिखा देना रेंट और सैलरी में, ठीक। अगर तुम्हें लगे कि भाई 50,000 माइनस नहीं हुआ और रेंट में 30% माइनस नहीं हुआ, तो तुम इंस्टीट्यूट का आंसर का फोटो मुझे भेज देना, और मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे बिहाफ में मैं खुद ईमेल लिखूंगा इंस्टीट्यूट को, किसी राइटर की बुक की फोटो या किसी टीचर फैकल्टी की बुक की फोटो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। टीचर्स भी तो राइटर को ही फॉलो करते हैं बहुत बार क्लास में, इंस्टीट्यूट को तो फॉलो करने में इज्जत घटती है, इंस्टीट्यूट के मेटेरियल को फॉलो करने में टीचर्स की इज्जत घटती है, टीचर्स फिर क्लास में बोलते हैं क्या कि ये राइटर, वो राइटर, वो राइटर, ये राइटर ने भी ऐसा ही किया, बहुत फेमस राइटर है, राइटर है अपने घर में रहे, इंस्टीट्यूट क्या कहता है। अगर इंस्टीट्यूट का आंसर
दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। और अगर डेविएशन है, कॉन्सेप्चुअल डेविएशन, और ऐसे भी अगर नॉर्मल सैलरी का क्वेश्चन हो, टोटल इनकम निकालना हो, तो 50,000 कम करते हैं तो क्यों नहीं यहां कम करें, यहां क्यों नहीं कम करें, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन आता है कॉम्प्यूट टोटल इनकम फॉर आरओआर, फॉर आरएनओआर और फॉर एनआर, तो क्यों ना करें। आज तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी शायद मैं करवा दूं आपको, ठीक है, आज नहीं तो अगली क्लास। एक बार मैं सोच रहा हूं सेक्शन 9 कंप्लीट ही करवा दूं, 91 से लेकर 918 तक, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस सब साथ में करा दूंगा, मैं तो ये चाहता हूं। क्लास में साथ साथ जितनी प्रैक्टिस चल रही है वो भी कम नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ मैं एग्जांपल्स दे ही रहा हूं, ये भी अपने आप में एक कहानी है, किताब है ये, ठीक है। तो चलिए इसको लिखिए, इसको लिखिए 912। एम्प्लॉयर कौन है, यहां लिखना चाहे लिख लीजिए प्लीज, इंडियन एम्प्लॉयर, फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, कोई भी हो सकती है। फ्रेश पेज पे आ जाइएगा प्लीज, फ्रेश पेज पे आ जाइएगा, आज का डेट, डेट टाइम, क्लास नंबर, ये सब जरूर लिखिएगा। सर लिख दीजिएगा अच्छे से, एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी, गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉई क्वेश्चन मार्क के बगल में लिख दीजिएगा, इंडियन सिटीजन हो, फॉरेन सिटीजन हो, आर ओ आर हो, आर एन ओ आर हो, एन आर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सैलरी कहां रिसीव की हो, इंडिया में या इंडिया के बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये सब सवाल आपसे पूछूंगा ही नहीं, अगर तुम्हारा वर्क लोकेशन इंडिया में है, सैलरी, पेंशन, लीव सैलरी, पेड लीव्स, सब टैक्सेबल हो जाएगा। क्या कहलाएगा ये, क्या कहलाएगा, इनकम, इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया एंड हेंस टैक्सेबल इन ऑल केसेस। डन, थोड़ा सा आगे चलते हैं। वर्क लोकेशन अगर इंडिया है तो वो इनकम, इनकम डिम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया कहलाएगी एज पर सेक्शन 912 एंड हेंस, चूंकि वो इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम, तो हम उसको तीनों में टैक्स करेंगे। 78 नंबर, सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ फ्रॉम इंडियन एम्प्लॉयर, बस इतना ही वर्ड है, लोकेशन नहीं दे रखा है, तो आप एजम्पशन लोगे वर्क लोकेशन इंडिया में है और तीनों में टैक्स कर दोगे। ऐसे ही लिखा रहेगा फॉर्मर, फॉर्मर इंडियन एम्प्लॉयर, मतलब आपने पहले इंडिया में काम किया हुआ है और उसके बाद आप रिटायर होकर पेंशन ले रहे हो, तीनों में टैक्स करेंगे, आर ओ आर, आर एन ओ आर,
और एनआर, तीनों में टैक्स करेंगे। चलिए सर, लिख लिया ये सब। अब आइए सर, इतना फोकस में क्यों कर रहा था कि कुछ नहीं लिखा है? देखो देखो 912 में कुछ नहीं लिखा है, एम्प्लॉयर कौन है, एम्प्लॉई कौन है, ठीक, सिर्फ इंडिया में काम की हो, तीनों में टैक्स होगा। तो बार बार स्ट्रेस दे रहा था ऊपर, क्यों? क्योंकि 913 में बोलता है कि ये सेक्शन कब लगेगा, जब एम्प्लॉयर कौन हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एम्प्लॉई कौन हो, इंडियन सिटीजन, फिक्स है ये, पांच मार्क्स का कॉन्सेप्ट है ये। और वर्क लोकेशन कहां हो, आउटसाइड इंडिया। अगर लोकेशन आउटसाइड इंडिया है तब तो सर सैलरी टैक्सेबल ही नहीं होनी चाहिए। पिछले सेशन में देखो करवाया था, अगर वर्क लोकेशन, यहां देखो वर्क लोकेशन इंडिया के बाहर था तो बाकी दोनों में तो टैक्स हो ही नहीं रहा था सर, ठीक। लेकिन अभी देखिए, अभी नया एग्जांपल है, पिछले सेशन में मैंने एग्जांपल कहां दिया था कि तुमको सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रही है। अब एक स्पेशल केस आपको बता रहा हूं, पांच मार्क्स तक चला जाता है 913, कि अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एम्प्लॉय इंडियन सिटीजन है, काम इंडिया के बाहर कर रहा है, तो फिर सैलरी विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। बोला सर सैलरी के अंदर तो हम लोगों ने सुना है कि एम्प्लॉयर अलाउंसेस भी देता है। हाँ सर, काफी सारा फैसिलिटी भी देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स जिसको जनरली आप बोल सकते हो बेनिफिट्स, जैसे कि रहने के लिए घर दे देना, चलाने के लिए कार दे देना, घर में सर्वेंट्स दे देना। सर अगर एम्प्लॉयर ने आपको बाहर भेजा है काम करने के लिए, कौन है एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप कौन है, इंडियन सिटीजन, काम करने के लिए कहां भेजा है, बाहर, ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए। तो उस केस में अगर आपको बाहर रहने के लिए अलाउंसेस और परक्यूजिट्स मिल रहे हैं, तो ऊपर तो बोलता है सैलरी टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन फिर एक और सेक्शन है जो इनको क्या कर देता है, एग्जम्प्ट कर देता है, अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 7। बोला सर इस सैलरी के अंदर अगर बेसिक सैलरी है तो, अगर बेसिक सैलरी मुझे मिली है तो टैक्सेबल हो जाएगा। सर कभी कभी सुनते हैं बोनस भी मिलता है, टैक्सेबल कर देना। सर सैलरी के अंदर कभी कभी कमीशन भी मिलता है एम्प्लॉयर से, आप वो सब टैक्सेबल करते चले जाना। लेकिन अलाउंसेस मिलेंगे, परक्यूजिट्स मिलेंगे, फैसिलिटी, कौन आपको कौन दे रहा है ये सब फैसिलिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप कौन है, इंडियन सिटीजन, कहां काम कर रहे हैं, इंडिया के बाहर। ऑफकोर्स आप जब इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, वहीं रहते हैं, तो आपका स्टेटस इंडिया के लिए क्या होगा, नॉन रेसिडेंट, है ना। आप इंडियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बाहर काम कर रहे हैं, बाहर ही रहते हैं, तो आपका स्टेटस फाइनली क्या होगा, नॉन रेसिडेंट। आपने सैलरी भी कहां रिसीव की है, बाहर ही रिसीव की है। देखो सर सैलरी इंडिया में रिसीव कर लो तब तो यहां आने की जरूरत ही नहीं है। सैलरी कहां रिसीव की है, साइलेंट है, तो ऑफकोर्स अगर बाहर काम करते हो तो सैलरी बाहर ही लोगे। चलो तुमने सैलरी बाहर ले ली, तब भी यह सेक्शन बोलता है हम इंडिया में टैक्सेबिलिटी देंगे, किसकी, सैलरी की टैक्सेबिलिटी होगी। लेकिन अगर यही एम्प्लॉयर इसी इंडियन सिटीजन एम्प्लॉय को इंडिया बाहर काम करने का साथ में अलाउंसेस देता है, परक्यूजिट्स देता है, तो उसको टैक्स फ्री किया गया है सेक्शन 10 क्लॉज 7। बेस्ट एग्जांपल इसको याद करने के लिए रख सकते हो इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। आप बेस्ट एग्जांपल इसके लिए क्या रख सकते हो, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। यूएसए में जो इंडिया की एम्बेसी है उसके अंदर जो ऑफिसर्स होंगे वो तो इंडिया के ही होंगे ना, और उनको सैलरी कौन दे रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
कौन होंगे वो? इंडियन सिटीजन, कहां काम कर रहे हैं? इंडिया के बाहर। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। 913 क्या कहता है? एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी पेबल बाय पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू होम इंडियन सिटीजन, थर्ड कंडीशन फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया को इंडिया की इनकम कहेंगे। और इंडिया की इनकम कहेंगे तो हम इसको टैक्सेबल कर देंगे किसे, चाहे आपका स्टेटस आरओआर हो, आरएनओआर हो या एनआर हो। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होनी चाहिए एम्प्लॉयर। पिछली क्लास में एम्प्लॉयर आपका कौन था यहां पे? इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी एम्प्लॉयर थी तो हम सिर्फ आरओआर में टैक्स करेंगे, और यही एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाए तो तीनों में टैक्स होगा। आज करेंगे अभी एग्जाम्पल करेंगे। फिर देखो यहां क्या लिखा है, अलाउंसेस और परक्यूजेट्स भी अगर मिलेगा तुमको बाहर काम करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंडियन सिटीजन को, तो हम उसे क्या करेंगे, पूरा एग्जम्प्ट। यहां से यहां तक ये पांच मार्क्स जितना वेटेज रखता है, क्वेश्चन है अपने पास, हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, इसके भी क्वेश्चन अपने पास है, डोंट वरी। अगर आपको क्लास का जो ये पढ़ाया हुआ रजिस्टर में लिखा हुआ अगर याद नहीं आ रहा है तो बुक पढ़ोगे? सर एग्जाम के लिए आप बुक पढ़ोगे, यहां से आ जाए याद। आप क्लास नोट्स पढ़ोगे, यहां से याद आ जाए। और या फिर आप क्वेश्चन करोगे, वहां से याद आ जाए। याद तो रहेगा ही, छूटेगा नहीं। पहली बार आप यहां पे अभी डिस्कस कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार इतनी चीज हम कैसे रिटेन करेंगे, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस होगी, अभी एग्जाम्पल दूंगा तो अपने आप टेंशन खत्म। ठीक सर, अलाउंसेज में कोई भी अलाउंसेज हो सकते हैं। मान लो आपको मिल रहा है डेली अलाउंसेज, मान लो आपको मिल रहा है टेलीफोन अलाउंसेस। सर अलाउंसेस का कोई भी नाम हो, आपको मिल रहा है फूड अलाउंसेस, अलाउंसेस का कोई भी नाम हो, एनी नेम एनी पर्पस, ऑल एग्जम्प्ट। रहने के लिए घर, चलाने के लिए कार, घर में नौकर, तुम्हारे घर में हमने तुम्हें टेलीफोन दे दिया, मोबाइल दे दिया, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दी, परक्यूजेट्स, सब एग्जम्प्ट होता है। और सर एक एग्जाम क्लियर कर लो आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज, तो सीधा फॉरेन पोस्टिंग होती है इसमें। रैंकिंग खराब आई तो इराक ईरान में भी पोस्टिंग हो जाएगी, फॉरेन पोस्टिंग होती है। सर हम तो ये कोर्स कर रहे हैं, हाँ तो करो ना ये कोर्स, कोर्स ही तो है ये, कर लो। लेकिन उसके बाद बच्चे, काफी सारे बच्चे तो यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करते हैं, पढ़ाई का कोई अंत थोड़ी ना है। ये तो ग्रेजुएशन के पैरेलल आप कर रहे हैं, ये जो कोर्स है ग्रेजुएशन के पैरेलल कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन हो चुकी है या होने वाली है, सर क्या करें? ट्वेल्थ पास करने के बाद जब ग्रेजुएशन हम कंटिन्यू करते हैं तो उसके बगल में पैरेलल कोर्स चलता है सीए सीएमएस सीएस, 5 साल का कोर्स होता है, 3 साल का ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जब तक मैं तुम्हारा मास्टर्स एमकॉम कंप्लीट होगा तब तक मैं तुम इधर में एक डिग्री ले लेते हो सीए सीएमए या सीएस। तो ये तो तुम टाइम पास कर रहे थे कि ग्रेजुएशन 3 साल का है तो अब क्या करें ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन से तो उतनी हमारी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं बन सकती है। ओनली ग्रेजुएशन अगर करेंगे तो सर जॉब लेने में काफी दिक्कत आएगी। 12वीं के बाद कॉमर्स स्टूडेंट अगर सिर्फ ग्रेजुएशन करे तो आगे जॉब लेने में दिक्कत आएगी। एमबीए भी करेंगे तो ग्रेजुएशन के बाद ही करेंगे, ठीक। तो अब 3 साल करें क्या? आ जाओ कर लो सीए सीएमए सीएस, कुछ भी कर लो, 3 साल ग्रेजुएशन वाले और ग्रेजुएशन के बाद 2 साल उधर, 2 साल एमकॉम भी कर लेना, फिर और भी तो कुछ कर सकते हैं। ये तो ग्रेजुएशन का टाइम आपने स्पेंड करके एक प्रोफेशनल डिग्री ली, और क्या कर सकते हो? कुछ लोग इंटरनेशनल सीएफए करते हैं, कुछ लोग एमबीए फाइनेंस में चले जाते हैं, कुछ लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर बहुत हो गया अब जॉब करेंगे फैमिली सेटल करेंगे, और कुछ लोग फिर ज्यादा पैसा कमाने के लिए फॉरेन भी चले जाते हैं। तो तुम थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेरोल पे जाओ ना, आईएफएस का एग्जाम क्लियर करो, पता करो इसके बारे में, मुझे भी बताना इसके बारे में, जानकारी इकट्ठी करो कि इसकी तैयारी कैसे होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मिनिमम एज क्या चाहिए, इसके सब्जेक्ट्स क्या है जो हम अभी पढ़ रहे हैं इस प्रोफेशनल कोर्स में, उसमें से कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं क्या जिसके बेसिस पर हम ये एग्जाम क्लियर कर ले। सिर्फ जो आपका बेसिक सैलरी होगा वही इंडिया में टैक्सेबल होगा। और सर सरकारी जॉब और बाहर वाले जॉब में ना बहुत सारे परक्यूजेट्स मिलते हैं, लाल बत्ती वाली गाड़ी भी मिलेगी आपकी स्पेशल नंबर के साथ, है ना। और ऐसे में तो एक स्पेशल पावर होता है कि दूसरी गवर्नमेंट आपके ऊपर में कोई एक्शन नहीं लेगी। अगर जिस कंट्री में आपकी पोस्टिंग है वहां आपसे कुछ हो जाता है तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा इंडिया, वहां पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है,
ऐसा रूल तो होता ही है। सर लाइफ आपको बनानी है, अब आप कहां खुश हो, आप सेटिस्फेक्शन लेवल आपका क्या है वो आप देखो। चीजें तो बहुत है, बट ध्यान रखना कोई भी कोर्स सी ए सी एम एस सी एस ये हम बीकॉम की जगह करते हैं, क्योंकि बीकॉम सिर्फ करेंगे तो फ्यूचर हमारा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इट इज नॉट द एंड गेम, मैं सी ए बन गया तो एंड हो गया, नहीं, मैंने सीपीए भी किया ना, है ना। चार साल के अंदर 2005 नवंबर में मैंने एग्जाम दिया था अपना सीए फाइनल का, 2006 जनवरी में रिजल्ट आ गया। चार साल के अंदर, चार साल तो 2010 होता है, मैंने 2009 में ही एक इंस्टीट्यूट का कोर्स किया अपने सी इंस्टीट्यूट का, सर्टिफिकेशन कोर्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन, जिसको अब डिप्लोमा में बदल दिया इंस्टीट्यूट ने, अब उसको बोलते हैं डिप्लोमा इन इंटरनेशनल टैक्सेशन, हमारे समय में वो था सर्टिफिकेशन इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। सबसे पहला बैच था इंस्टीट्यूट का जिसमें मैंने रजिस्ट्रेशन लेकर अपना कोर्स कंप्लीट किया था, ठीक, और साथ साथ मैंने सीपीए भी किया यूएस का। तो पढ़ाई का एंड नहीं है मेरा, 82 बॉर्न हूं और 2009 में, यानी 27 साल के अंदर मेरे पास सीए की डिग्री थी, सर्टिफिकेशन कोर्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन का डिग्री था, और देन सीपीए यूएसए था। मुझे कोई और अच्छा गाइड कर देता, मतलब ये ड्यूरिंग माय सीए कोर्स अगर मुझे कोई टीचर अच्छे से गाइड कर देते, क्योंकि उस समय ये सब गाइडेंस नहीं मिलती थी, मुझे तो मेरे एक सीपीए फ्रेंड ने गाइडेंस दिया कलकत्ता में, वो भी फाइनल में था, मैं भी फाइनल में, उससे एक साल जूनियर था, थे फ्रेंड ही, एक साल में जूनियर था वो। सीए फाइनल करने के बाद उसकी फॉरेन पोस्टिंग हुई, वो फॉरेन चला गया, उसको जाना ही फॉरेन था, वो फॉरेन चला गया, अब तो बैंगलोर में है वो। सर फॉरेन जाने के बाद जब वो उसने वहां पर जॉब की एज अ सीए, तो उसको प्रमोशन चाहिए था, तो उसने वहां पे सीपीए किया। उस समय हम लोग का चैट चलता था याहू मैसेंजर के थ्रू, उस समय ये सब थोड़ी ना था, फेसबुक व्हाट्सएप ये सब नहीं थे, याहू मैसेंजर के थ्रू मेरा उससे चैट चलता था, और उसमें उसने मुझे टाइम टू टाइम मोटिवेट किया कि सीपीए कर लो, बहुत फायदे में रहोगे, या फिर चलो एक इंटरनेशनल डिग्री होनी चाहिए, बहुत अच्छा कोर्स है। 2009, आज के दिन तो बच्चा बच्चा इस कोर्स को जानता है और करना चाहता भी है, बहुत सारे प्रोफेशनल पर्सन आज के दिन सीपीए और आपका सीमा यूएसए और फिर एसीसीए और फिर या एफआरएम और या फिर इंटरनेशनल सीएफए, ये जो 5-6 कोर्स हैं आज के दिन सब जानते हैं, सब करना चाह रहे हैं। हमारे समय में तो किसी को मालूम ही नहीं था ये कौन सी बला है, इंटरनेशनल टैक्सेशन भी नहीं मालूम था किसी को, ना किसी को सीपीए के बारे में ज्यादा जानकारी होती थी उस समय हमने कर रखा है। तो एंड नहीं है किसी भी चीज का। अब आप सोचेंगे नहीं नहीं सिर्फ यही कोर्स हो जाए सर, वही बहुत है, तो बहुत है फिर, बहुत की डेफिनेशन क्या है, भावुक हो गया मैं। चलिए सर, आईएफएस का एग्जाम्स देके सीधा आप गवर्नमेंट पोस्टिंग ले सकते हैं, वैसे आईआरएस और यूपीएससी वाले भी प्रमोट होके बाहर जाते हैं, लेकिन आईएफएस के एग्जाम में शायद मेरा जहां तक मानना है डायरेक्ट फॉरेन पोस्टिंग मिलती है। ये लिख चुके हैं आप, है ना। चलिए 913 हम लोगों ने डिस्कस तो कर लिया है, अब एग्जाम्पल इस पे करेंगे। अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, यहां से यहां तक जो चीज लिखी थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब एग्जाम्पल कराऊंगा मैं इस पे, तभी आपको रिटेन रहेगा। 913 लिखिए प्लीज अच्छे से। लिखा आप लोगों ने, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, एम्प्लॉई इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वर्क लोकेशन अगर बाहर है और से सैलरी भी बाहर रिसीव की है तो भी हम उस सैलरी को इंडिया में टैक्सेबल कर देंगे। एक बार को गलत लगता है लेकिन यही सही है। ध्यान रखना दो गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होता है कि हमारे लोग जब आपकी कंट्री में रहेंगे एम्बेसी में तो आप टैक्स मत करना, हम करेंगे उनको।
अब जैसे अमेरिकन्स, अमेरिका यूएसए की इंडिया में जो एम्बेसी है उसके अंदर जो अमेरिकन्स काम कर रहे हैं उनकी सैलरी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती है, ऑल्दो दे आर वर्किंग इन इंडिया, एग्जम्पशन है। एम्बेसीज, इंडिया की जो बाहर एम्बेसीज हैं वहां जो लोग काम कर रहे हैं वो बाहर टैक्स नहीं देंगे, और जो बाहर की कंट्री की एम्बेसीज इंडिया में और उसके अंदर जो बाहर के ऑफिसर्स काम कर रहे हैं वो इंडिया में टैक्स नहीं देंगे, ऑल्दो दे आर वर्किंग इन इंडिया। ये डील है दो कंट्री के बीच में। तो अब हमारे लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उनको हम तो टैक्स करें, क्योंकि बाहर वाले तो टैक्स लेंगे नहीं, और हम भी सिर्फ सैलरी पे लेंगे, अलाउंसेस और परक्यूजिट्स पे एग्जम्पशन दे रहे हैं। इट इज अ विन विन सिचुएशन। सर इनको डबल टैक्स नहीं लगता, इनको बाहर की कंट्री, जिस कंट्री में ये काम कर रहे हैं वो कंट्री टैक्स नहीं लेती है, इंडिया का एग्रीमेंट बना हुआ है बाकी कंट्रियों के साथ, इम्यूनिटी है। डन, वीडियो रोक के लिख चुके हैं ये सारा, वीडियो रोक के ये सारा लिख चुके हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, कंप्लीट कीजिए। सर अलाउंसेस का नाम कुछ भी हो सकता है, एग्जम्पशन मिलेगा। डन, लिख लिए वीडियो रोक के। एग्जाम्पल, सर यूएसए में इंडियन एम्बेसी है, एक ऑफिसर का नाम है राम, दूसरे ऑफिसर का नाम है टॉम, ठीक, ये इंडियन सिटीजन है, आईसी इंडियन सिटीजन, ये फॉरेन सिटीजन है, ये भी इंडिया में नॉन रेसिडेंट है, ये भी इंडिया में नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि वो लोग वहां रहते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिक सैलरी दे रही है राम को भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए एम्प्लॉयर जिसकी यूएस में क्या है, एक एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, जिसके अंदर दो ऑफिसर काम कर रहे हैं, राम और टॉम, दोनों वहीं रहते हैं, दोनों को सैलरी मिल रही है, एक इंडियन सिटीजन है दूसरा फॉरेन सिटीजन, दोनों नॉन रेसिडेंट है, ठीक, एक को मिल रही है बेसिक सैलरी 10 लाख रुपए पर एनम, दूसरे को मिल रही है 12 लाख रुपए पर एनम, फिर डेली अलाउंसेस में मिल रहे हैं 20,000 रुपए पर एनम, 20,000 रुपए पर एनम, ये कहां दिए गए हैं, पेड इन यूएसए, इंडिया में अकाउंट नहीं है इनका, पेड इन यूएसए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंडिया की एम्बेसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो यूएस में एम्बेसी है वहां दो लोग काम कर रहे हैं, राम और टॉम, दोनों वहीं रहते हैं, नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, दोनों को सैलरी उन्हीं की कंट्री में वहीं पे दी जा रही है, एक को दी जा रही है बेसिक सैलरी डियरनेस अलाउंस, दूसरे को भी बेसिक सैलरी डियरनेस अलाउंस। अब देख लीजिए ये इसमें टैक्सेबल इन इंडिया कितना होगा, सर 10 लाख माइनस जो आप 50,000 कम करते हैं वो कम करके 9,50,000, सर ये जो है अलाउंसेस, ये डेली अलाउंसेस, यही तो क्या होगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, सारे कंडीशन सेटिस्फाइड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए एम्प्लॉयर, इंडियन सिटीजन इज ए एम्प्लॉई वर्किंग आउटसाइड इंडिया, एम्बेसी ही हो जरूरी है क्या, नहीं जरूरी नहीं है, मैंने एग्जाम्पल दिया एम्बेसी, इसमें थोड़ी ना लिखा है कि एम्बेसी में ही काम करो, मान लो तुम मैसेज करके मुझसे पूछोगे सर एम्बेसी में ही काम करना जरूरी है क्या, नहीं, एम्बेसी इज जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई और प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई डिफेंस का प्रोजेक्ट हो सकता है, रसिया गए हुए एक डिफेंस प्रोजेक्ट पे, यहां के सैनिक 50 सैनिक रसिया गए हुए हैं डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए, तो भी तो वो इंडियन गवर्नमेंट के सिटीजन, इंडियन सिटीजन, इंडियन गवर्नमेंट के सैलरी ले रहे हैं और कहां काम कर रहे हैं, यूएसए में एक दो साल के लिए किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सर कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, मैंने आपको समझने के लिए एम्बेसी लिया है, 913 में एम्बेसी होना जरूरी है क्या, नहीं, लिखना चाहो लिख लो, एम्बेसी इज जस्ट एन एग्जाम्पल, मैंने क्या बोला, बेस्ट एग्जाम्पल एम्बेसी, एग्जाम्पल एम्बेसी ही होना जरूरी नहीं है, लोकेशन आउटसाइड इंडिया है, कहीं भी एम्बेसी होना जरूरी नहीं है, ठीक सर, लेकिन ये पूरा का पूरा अमाउंट, ये पूरा का पूरा अमाउंट नॉट टैक्सेबल, सर कैसे, सर कैसे, सर नॉट टैक्सेबल कैसे, एक बात बताओ, टॉम
टॉम को टैक्स करने के लिए क्या है, वो आरओआर है? सवाल पूछते हैं, क्या वो आरओआर है? अगर वो आरओआर होता तो हम उसके इंडिया और इंडिया के बाहर के इनकम को टैक्स कर देते। नहीं है सर। क्या सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया है? नहीं सर। 912 लगा क्या? इंडिया में काम करता है क्या? नहीं सर। तो 913 लगा क्या? 913 लगने के लिए इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। जब कोई सेक्शन ही नहीं लग रहा है तो कैसे टैक्स कर दोगे? नॉट टैक्सेबल। जब कोई सेक्शन ही नहीं लग रहा है, सर सैलरी चार तरीके से टैक्स कर सकते हैं। सैलरी को इंडिया में टैक्स करने के चार तरीके हैं, लिख दिया। क्या तो तुम आरओआर हो, क्या तो तुम सैलरी इंडिया में रिसीव करो, या तो फिर 912 लग जाए और या फिर 913 लग जाए। 912 कब लगता है? जब तुम इंडिया में काम करते हो। 913 कब लगता है? जब तुम इंडियन सिटीजन हो। तुम तो फॉरेन सिटीजन हो, एफसी, फॉरेन सिटीजन, एफसी। देखो ये सब नहीं लिखोगे ना तो तुम दो महीने के बाद मुझे मैसेज करके तंग करोगे फिर। आईसी इंडियन सिटीजन नहीं लिखोगे ना तो तुम फिर दो महीने के बाद भूल जाओगे और तुम मुझसे मैसेज करके पूछोगे फिर। तो ये तो थोड़ी थोड़ी चीज लिख लिया करना, रिवीजन करते समय या क्लास के बाद। क्लास खत्म हुई, छोटी छोटी नोटिंग। देखो दो घंटे की क्लास है, क्लास खत्म होने के बाद पढ़ लिया करो सर ने क्लास में क्या लिखा है। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है लिखी हुई तो वापस उसी समय वीडियो देख लिया करो। किसी एग्जाम्पल में कुछ अपनी लैंग्वेज में, अपनी नेशनल रीजनल लैंग्वेज में तुमको कुछ अपने समझाने के लिए लिखना, लिख लिया करो। मेरी क्लास में जो मैं एग्जाम्पल देता हूं, हर एग्जाम्पल के बाद दो तीन लाइन छोड़ा करो अपने इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए। तुम अपना एक व्यू, अपना एक नोट, अपनी एक वर्किंग लिखा करो, आदत बनाया करो। इससे क्या होगा, फ्यूचर में तुमको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं होगी, तुमको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। चार्ट से क्या समझ में आएगा मैंने क्या समझाया? ये बड़ा सारा एक बॉक्स बना दो खाली जगह में दो तीन लाइन, और अपने लिए इसमें नोटिंग रख दो अपनी लैंग्वेज में, अपनी रीजनल लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो। मुझे नहीं पता तुम किस स्टेट से हो और तुम्हारी कौन सी लैंग्वेज कंफर्ट वाली है, ठीक। तुम अपनी लैंग्वेज में उसको लिख दो। तुम्हारे नोट्स हैं, तुम क्यों लिख रहे हो? ताकि इसको तुम फास्ट समझ सको। फास्ट अपनी लैंग्वेज में जब लिखते हैं तो फास्ट समझते हैं रिवीजन करते समय। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि रिवीजन करते समय ना तो मैं वीडियो देखूं दोबारा और ना मैं सूरज सर से मैसेज करके पूछूं। आई एम अवेलेबल। देखो मैं अवेलेबल हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैं अवेलेबल हूं, लेकिन भाई कितनी चीज पूछोगे तुम उससे, तुम शर्म कर जाओगे यार पूछते पूछते, तुमको खुद में शर्म आने लगेगी। मैं देखो मोस्टली तो मैं यही कहूंगा वीडियो में पढ़ाया है, वीडियो देखो, लेकिन वो सॉल्यूशन तो नहीं है ना। अच्छा तुम मेरे से पूछोगे वही चीज जो मैंने क्लास से पढ़ाई है, ये भी उसका सॉल्यूशन नहीं है। मैं बोलूंगा वीडियो देखो, तुम क्या बोलोगे? नहीं सर आप ही बता दो, नहीं बोल पाओगे तुम। थोड़ा ध्यान रखना, नोटिंग किया करो, चीजों को अपने शब्दों में लिखा करो कि क्या हुआ है इस एग्जाम्पल में, क्या हुआ है फाइनली, क्यों कोई चीज टैक्सेबल हुई, क्यों कोई चीज एग्जम्प्ट हुई, क्यों कोई चीज नॉट टैक्सेबल हुई, क्यों टॉम की सैलरी इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो रही। मैंने तो ये चार पॉइंट लिख के क्रॉस कर दिया, तुम इसको और एक्सप्लेन करो। टॉम एनआर है, आरओआर नहीं है। टॉम को सैलरी यूएस में मिली है, इंडिया में नहीं मिली है। 912 कब लगता है? जब वो इंडिया में काम करता है। टॉम इंडिया में काम नहीं कर रहा है। 913 कब लगता है? जब वो इंडियन सिटीजन है, टॉम फॉरेन सिटीजन है, इसलिए ये सैलरी टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगी। तो जो चीज टैक्सेबल ही नहीं उसमें एग्जम्पशन कैसा? पहले टैक्सेबल होगी कोई चीज तब हम उसको एग्जम्प्ट करेंगे ना 107 में, उधर वाला तो टैक्सेबल ही नहीं हो रहा। डन? बोलो नहीं सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द एम्प्लॉयर। सर ऐसे नहीं होता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एम्प्लॉयर एंड हेंस ऑल सैलरीज आर टैक्सेबल, ऐसे नहीं होता। ऐसा कोई लॉ नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां जहां जिसको जिसको पूरे वर्ल्ड में सैलरी बांट रही है सबको हम इंडिया में टैक्स करेंगे, ऐसा कोई लॉ नहीं है। लिखिए अच्छे से, लिखिए। डन, पूरा कंप्लीट पिक्चर आपके सामने है, एग्जाम्पल का कंप्लीट पिक्चर आपके सामने है। वीडियो रोक के लिखिए प्लीज, वीडियो रोक के लिख लीजिए। 913 मेरी तरफ से कंप्लीट है, आप वीडियो रोक के अच्छे से लिखिए। लिखा आप लोगों ने? चलिए सर, आई होप आप लोगों ने इसको लिखा। और ये बात प्लीज ध्यान रखना,
कभी भी सैलरी को जो टैक्स करना है वो हम चार तरीके से कर सकते हैं इंडिया में, है ना। 912 में जाएगा, अगर आप बोलते हो सर 912 अप्लाई हो गया, तीनों में टैक्स कर देना। अगर आप बोलते हो 913 अप्लाई हो गया, तीनों में टैक्स कर देना, आरओआर, आरएनआर, एनआर। सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों में टैक्स होगा। सर आरओआर तो टैक्स देगा ही देगा, 912 नहीं लगा, 913 नहीं लगा, लेकिन आपका स्टेटस आरओआर है तब तो आप टैक्स दोगे ही दोगे ना। आरओआर तो देगा ही, आरएनआर और एनआर टैक्स कब देंगे, जब सैलरी रिसीव इंडिया में हो, या फिर 912 इंडिया में काम किया हो, या फिर 913 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एम्प्लॉयर एटसेट्रा। तो प्लीज ये चार पॉइंट ध्यान रखना, सैलरी को कभी भी टैक्स करना हो इन चार में से कहीं भी यस हो जाए, इंडिया में सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। तो टॉम के लिए चारों पॉइंट ना है। अब कुछ एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखे हैं, 78 मैंने आपको यहां पे कराया, 78 नंबर यहां कराया था, और पिछले सेशन में हमारा 77 तक हो गया था, है ना। और अगर आप शुरू में याद हो तो मैंने बोला था 60-70 एग्जांपल्स, तो एक तरह से अब एंड पे आ चुके हैं, ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं। अब ये तीन कॉलम वाली बात अब ना ही हो, अब हम अलग कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे। जैसे अभी 4 से 5 मार्क्स के लिए हमने इसकी बात की, 913 की, ये पूरी बात है ना, और इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक। और अब ये तीन एग्जांपल हैं, इसको वीडियो रोक के लिखो भी और आंसर तुमको बनाने हैं, ये सारे आंसर तुमको सेट करने हैं। बाकी सब में तुम्हारा सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है, 50,000 घटा देना, सैलरी तीनों में ही 1 लाख रुपए पर मंथ है, टैक्सेबल होगा तो इंटू 12 करके 50,000 कम कर देना। सैलरी रिसीव्ड इन यूएसए, रिसीव्ड इन यूएसए, रिसीव्ड इन यूएसए, तीनों में तुम यूएस में सैलरी रिसीव कर रहे हो, तीनों में तुम यूएस में ही काम कर रहे हो, वर्किंग इन यूएसए, वर्किंग इन यूएसए, वर्किंग इन यूएसए। अब यहां पर है एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां पर है एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां पर है टाटा एन इंडियन कंपनी, चेंज कर दिया। पहले वाले में तुम इंडियन सिटीजन हो, सेकंड वाले में तुम फॉरेन सिटीजन हो, तीसरे वाले में कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम इंडियन सिटीजन हो या फॉरेन सिटीजन हो। तुमको लगता है आंसर अलग होगा तो तुम अलग दो लाइन बना देना, नहीं सर फर्क पड़ जाएगा आंसर में, तो तुम 81 का दो आंसर लिख देना, इंडियन सिटीजन होगा तो क्या, फॉरेन सिटीजन होगा तो क्या। 912 तो कैंसिल हो गया सर, 912 तो यहां कैंसिल हो गया, इंडिया में आप काम ही नहीं कर रहे हैं। सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया वाला पॉइंट भी कैंसिल हो गया, क्योंकि तुम्हारा हर जगह सैलरी इंडिया के बाहर रिसीव हो रहा है। अब तुम एक पॉइंट आरओआर है और एक पॉइंट तुम्हारा 913 है, 913 अप्लाई होगा तो तीनों में टैक्स, और आरओआर तो टैक्स हो गई सर, बाकी का तो पता नहीं, आरओआर में तो सब में सेम ही आंसर होगा, बाकी का मुझे नहीं पता, आरओआर का तो सबका सेम आंसर होगा, 11,50,000, 11,50,000, 11,50,000, 1 लाख पर मंथ इंटू 12, 50,000 रुपये माइनस होगा ही, चाहे तुम इंडिया में काम करो या इंडिया के बाहर काम करो। अब बाकी के बारे में तुम सोच लो, 913 भी है तुम्हारे पास, आरओआर का कॉन्सेप्ट भी है, सैलरी इंडिया में रिसीव होती तीनों में टैक्स कर देते, अगर तुम इंडिया में काम करते तीनों में टैक्स कर देते, वो एग्जाम्पल तो तुम पिछले सेशन में देख ही चुके थे। अब फिनिश करो इसको, वीडियो रोक के लिखो भी और फिनिश भी करो इसको, आंसर रेडी रखना प्लीज, आंसर रेडी रखना तभी वीडियो रिज्यूम करना। चलिए सर, मुझे लग रहा है कि आप अब आंसर के साथ तैयार हैं, लिख भी लिया है, आई होप आप आंसर के साथ रेडी हैं। सर मेरा रजिस्टर खराब हो जाएगा इसीलिए मैं आंसर नहीं लिखूंगा, ये सब तिकड़मबाजी मत करना, आप पेंसिल से लिख लो यार। सर मेरा रजिस्टर खराब हो जाएगा इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। सैलरी रिसीव्ड इन यूएसए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वर्किंग इन यूएसए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयर है, लोकेशन इंडिया के बाहर है, एम्प्लॉय कौन है, इंडियन सिटीजन, तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा। सर अगर ये बाहर काम कर रहा है तो आरओआर स्टेटस कैसे लेगा, आपका मान लो ये सवाल हो, तो भाई इस साल गया होगा,
कोई अगर नौकरी में इस साल जा रहा है, इसी दिसंबर में, करंट ईयर में तुम पहली बार इंडिया से बाहर जा रहे हो दिसंबर में, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर में रहना है और पिछले सभी साल में इंडिया में थे, तुम्हारा स्टेटस आरओआरई तो होगा, और इंडिया में 9 महीने की सैलरी और बाहर के 3 महीने की सैलरी, तो लेट से बाहर के 3 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, तो आरओआर, तो स्टेटस सर एक आदमी करंट ईयर में बाहर जा रहा है तो उसका स्टेटस आरओआर भी हो सकता है और एनआर भी हो सकता है, ध्यान रखना। आरएनओआर के लिए हाँ, उसके पीछे की प्रेजेंस, मान लो इंडिया आता जाता रहता है तो वो आरएनओआर भी हो सकता है, तो अभी दिमाग में ये मत रखो कि उसका स्टेटस ये कैसे आया, ये इनकम है और ये तीनों स्टेटस दे रखा है, स्टेटस तो ला देंगे, एग्जाम्पल ही ऐसा फ्रेम करेंगे कि स्टेटस आ जाएगा, ठीक। अब अगला एग्जाम्पल में क्या है, सैलरी रिसीव्ड इन यूएसए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट एम्प्लॉय कौन है, फॉरेन सिटीजन, 913 अप्लाई नहीं होगा, निल और निल, 913 अप्लाई होगा नहीं क्योंकि फॉरेन सिटीजन है, और ऊपर के दोनों में काट चुका 912 को और सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया को, तो खाली आरओआर ही तो टैक्स देगा, और लास्ट वाले में भी खाली आरओआर ही टैक्स देगा, बाकी दोनों नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि इंडियन कंपनी सैलरी पे कर रही है। ये सवाल तो हम लोग पिछले सेशन में ही कर चुके थे, इंडियन कंपनी सैलरी दे रही है यहां पे, ये 77, ये तो हम लोग पिछली क्लास में ही कर चुके थे। अगर इंडिया से बाहर काम कर रहे हो और इंडियन कंपनी तुम्हें बाहर काम करने का बाहर ही पैसा दे रही है तो सिर्फ आरओआर टैक्स देगा, वही चीज तो यहां पे है। नया आज क्या सीखे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सैलरी दे रही है इंडियन सिटीजन को तो तीनों में टैक्स होगा, ये नया सीखे, 50,000 कम करेंगे जब जब टैक्सेबल होगा, आंसर मिला लीजिए। देखिए अगर अच्छे से सीखना है तो मेरी बात को समझिए, जब भी मैं कहूं वीडियो रोको अपना आंसर तैयार करो तो करो, मत डरो कि आपकी मेन कॉपी खराब हो जाएगी, पेंसिल यूज रफ पेज, ठीक है, कभी कहूं रिविजन करके आना है तो करके आओ, कभी कहूं होमवर्क करके आना है तो करो, कभी कहूं कि अगली क्लास तुरंत मत देखना तो वैसा मत करना, जो इंस्ट्रक्शंस देता हूं बड़े प्यार से देता हूं और आपकी इफेक्टिवनेस इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए देता हूं, ठीक। आंसर मिला चुके, लिख चुके सर, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तो हमारा हो गया, ये पेज हमारा कंप्लीट, 912 913 914 कंप्लीट, उधर 918 कंप्लीट है ना, तो बीच में क्या बच रहा है 567, और वो तीनों एक जैसे क्लॉज है, और एक इधर बच रहा है 911, तो 911 में थोड़ा टाइम लगता है, हम आएंगे इस पेज पे, 911 पे थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा थ्योरी इसमें प्रैक्टिकल कम है और थ्योरी ज्यादा है, हम इसको करेंगे, लेकिन अभी छोटी छोटी चीज यहां पे छूट रही है उसको एक बार कवर कर ले। पेज नंबर 10 पे वापस आइए सर, ये तीन लाइन एक बार पढ़िए क्या कहता है।